पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फैसिलिटीज नहीं है, सेंट्रल गॉज पे ग्रिल्स नहीं है, स्पीड ब्रेकर्स रंबल स्ट्रिप्स नहीं है, तो लोग 100 किलोमीटर 120 पे चला रहे हैं। डेडिकेटेड लेन नहीं है स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए और बहुत हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है। इट्स वेरी आयरोनिकल कि पुलिस की खुद की रिपोर्ट कह रही है कि स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए लेन नहीं है, लेकिन वो खुद अपोज करते हैं। एंड आई टोटली अग्री दैट दे डू अपोज दिस थिंग एनएमवी ट्रैक्स। अच्छा, कार ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होता है? अगेन मुझे मीटिंग में बहुत बार सुनने को मिलता है, यार फ्लाईओवर बनने दो, तुम अपना फुटपाथ बनाते रहो, हमें क्लोवर लीफ तो बनने दो। क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से क्या होता है? सबको पता है जो लास्ट 3 जो रेप्स हुए हैं ये वाला NH8 पे हुआ है, उसके पहले धौला कुआं क्लोवर लीफ पे हुआ है, उसके पहले द्वारका में तो रेगुलरली होता रहता है। वहां पे आप खुद बताइए, आप वो सड़क क्रॉस कर सकते हैं? अगर कोई लड़की हम में से वहां हो 7 बजे के बाद, मतलब इट्स लाइक सुइसाइड। तो ये पब्लिक रेल हमारा बन रहा है उससे, ये धौला कुआं है, कैन यू क्रॉस दिस? ये तो दिन में है, रात को तो वहां जाके फोटो भी नहीं ले सकते, ऐसा हाल है वो, इट्स लाइक अ घोस्ट टाउन। और रविंद्र मार्ग पे जो बना है क्लोवर लीफ, पहले सड़क क्रॉस करने में 5 मिनट लगता था, एम्स से दिल्ली हाट जाने में 5 मिनट लगता था, अब आपको क्रॉस करो 3 लेवल, वो भी बेसमेंट से, वो सबवे FOB पता नहीं करके, और 20 मिनट में भी आप दिल्ली हाट एम्स से नहीं पहुंच सकते। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं देश को? हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम गवर्नमेंट वाले क्या मैसेज दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर आप गाड़ी में हो आपके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, अगर आप पैदल हो या NFT पे हो या रिक्शा में हो साइकिल पे, प्लीज एट योर ओन रिस्क, आप जिंदा रहो तो आप खुशकिस्मत हो, नहीं हो तो बस सॉरी। सो तो हम बोल रहे हैं शहर को। एक और ये फ्लाईओवर का डिजाइन है, इसका भी हमने टेक्निकल एनालिसिस किया। ये जब बिफोर ये फ्लाईओवर का प्रपोजल आया, पॉइंट ए इस घर से इस घर तक जाने के लिए आपको सिर्फ सड़क क्रॉस करनी है, जेब्रा क्रॉसिंग। जब ये बैरियर आता है फ्लाईओवर का, ये होता है कि सिर्फ जंक्शन पे इफेक्ट नहीं होता है, उसका एक रैम्प होता है, फिर रैम्प से उतरने के बाद काफी डिस्टेंस करीब 300 मीटर होता है जहां क्रॉसिंग नहीं दे सकते हैं, तो वो करीब 600 मीटर, मतलब विच इज 10 मिनट का ऑलमोस्ट वॉक हो जाता है, जो वो ब्लॉक कर देता है सड़क, आप पैदल नहीं क्रॉस कर सकते। तो अब ये आदमी जो पहले क्रॉस कर सकता था, अब या तो उसको जंक्शन पे जाना पड़ेगा या उसके उधर जाना पड़ेगा, उसकी वॉक 8 गुना टाइम बढ़ गई, उसकी डिस्टेंस जो है 8 गुना बढ़ गई। लेकिन वो उसके लिए क्या है कि वो गर्मी में चल रहा है, लेकिन फिर वो हम बोलेंगे कि भाई सिग्नल डालो, दैट्स व्हाट हम मीटिंग में हमेशा बोलते हैं कि भाई सिग्नल छोटा सा डालो, 20 सेकंड में आदमी क्रॉस हो जाएगा। नहीं, उससे जाम हो जाएगा, क्योंकि वो AC वाले गाड़ी में बैठ के नहीं 20 सेकंड रुक सकते, लेकिन ये जो पैदल चल रहा है वो 15-20 मिनट घूम के जा सकता है, उसको तो गर्मी नहीं लगती है, वो AC वाले को 5 मिनट 20 सेकंड में बहुत गर्मी लगेगी। तो और ये भी प्रूवन है, ये सारे पिछले 2 साल में हम लोग ऑफिस में न्यूज पेपर कटिंग्स कलेक्ट कर रहे हैं, पेपर में आया है कि दिल्ली के फ्लाईओवर ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, ये सारे आर्टिकल्स हैं, इसका डेटा है हमारे पास, लेकिन फिर भी और फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पिछले 2-3 साल से हम ये पुश कर रहे हैं कि आप रोड्स को स्ट्रीट सेफ बनाइए, लेकिन जो आप अभी भी पेपर में पढ़ोगे, अभी शायद लास्ट वीक ही आया है कि बहुत सारे नए फ्लाईओवर्स, बहुत सारे ग्रेड सेपरेटर्स, जिनका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, और ये प्रूवन है कि इनसे ट्रैफिक भी कम नहीं होता है। रिंग रोड पे अब आप जानते हैं कि कितना देर जाम होता है, उस पर अगर आप चढ़ जाओ फ्लाईओवर पे तो भगवान ही बताए कि कब आप उतरोगे, अगर आप गाड़ी में भी हो तो, बिकॉज कोई सिग्नल नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन वो कंसिडरेशन में नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, और मैं ये भी बोलूंगी कि जो यूजर्स हैं, ये प्रॉब्लम है कि जो हम यूज करते हैं साइकिल, पेडेस्ट्रियन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल रिक्शा, हम लोगों की आवाज गवर्नमेंट में नहीं है। मेरे अब 4 साल होने वाले हैं, और जब मीटिंग्स में मैं बैठती हूँ तो सारे व्हाइट कॉलर्स होते हैं वहां पे, हम लोग नहीं होते हैं उसमें, तो इसलिए हमारी आवाज नहीं पहुंचती, और यही होता रहेगा, और हम वोट भी देते रहते हैं। सो नाउ द लास्ट थिंग व्हिच आई विल सजेस्ट शो इज व्हाट वी डू। वी हैव, हमने 3-4 साल पहले, जस्ट 5 मिनट्स, आई जस्ट रैप अप, 2 मिनट्स, ओके। सो वी हैव मेड द गाइडलाइंस कि कौन सी सड़क पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। सो ये गाइडलाइंस आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, UTPEC DDA वेबसाइट पे है।
सारे आईआरसी सेक्शंस में 3-3 मीटर के साइकिल लेन्स थे, साइकिल रिक्शा लेन्स थे, लेकिन ये बनाए नहीं जाते हैं किसी भी आर्टिकल रोड पे, नहीं है साइकिल ट्रैक। ये हमारे कुछ सैम्पल डिजाइंस हैं विच वी आर ट्राइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड, जो हम यूटीपेक में हम पुश कर रहे हैं कि साइकिल नेटवर्क बनाया जाए यूजिंग द नालाज एंड आर्टीरियल रोड्स, ताकि आप किसी भी कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी जा सकते हैं। नाउ आई एंड विद वन केस स्टडी विच विल जस्ट टेक अ मिनट। दिस वाज अ सेफ्टी आर्टिकल दैट केम आउट कि सम ऑफ द मेजर रोड्स इन द सिटी आर वेरी अनसेफ। तो वन केस स्टडी वाज टेकन अप विच वाज ऑरोबिंदो मार्ग, एंड ये पेपर में 2010 में आया था कि यहाँ सिग्नल्स लगाई जाएंगी और क्रॉसिंग्स बनाई जाएंगी। तो हमने यूटीपेक में हमने ड्राइंग्स दी और पुलिस और एनवायरमेंटल पोल्यूशन मिस्टर भूरेलाल की कमेटी ने इसको मॉनिटर किया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं अरविंदो मार्ग पे हर 200, 250, 300 मीटर बाद एक क्रॉसिंग है, ट्रैफिक कामिंग स्ट्रिप्स हैं और ये साइकिल क्रॉसिंग्स, साइकिल एनएमटी क्रॉसिंग्स हर 300 मीटर पे बनाई गई हैं। और अब जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है करीब 3-4 महीने पहले कि अरविंदो मार्ग में डेथ्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई हैं आफ्टर एडिशन ऑफ दीज क्रॉसिंग्स। सो रिजल्ट सबके सामने है, लेकिन अब चेंज होगा या नहीं, सॉरी फॉर साउंडिंग अ लिटिल नेगेटिव, बट थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के इतने अच्छे प्रेजेंटेशन हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम आप लोगों को सुनते रहे और समझते